गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुंह क्यों बना रहा है? आप ही ट्यूशन चली गई हैं सुबह सुबह आज? उठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और बस मैं ये नहीं कह सकती कि हम लोग खैर खैरियत से हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्ची की वजह से। आप सबको पता ही है, जैसे कि उसकी तबीयत अचानक ख़राब हुई है, कुछ नहीं था उसे, बिल्कुल ठीक थी। फ्राइडे को उनके मदरसे में महफिल थी, तो हम सब गए मदरसे में, क्योंकि पेरेंट्स को इन्वाइट किया था। बच्चे पहले ही जा चुके थे, बच्ची बिल्कुल सही मदरसे में बैठी हुई, मिलाद हुई, मिलाद सुना, हमारे पास आके बैठी। खाना वाना तो खैर इतना खाती नहीं थी, जबकि थोड़ा सा हमने कहा भी थोड़ा बहुत खा लो। एक हाथ उसने चावल का दाना खाया, उसके बाद घर आ गए हम लोग। घर आए हैं तो बस घर आके कहने लगी मेरे पैरों में तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। डॉक्टर क्या लेके गए, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसको शायद कैल्शियम की कमी हो गई है, लेकिन उसने एकदम से दूसरे दिन गर्दन भी गिरा ली, उससे बिल्कुल चला नहीं जा रहा, वो एक कदम नहीं चल पा रही थी। हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं ये पैरालाइज हो गई है, कभी कह रहे हैं इसको कोई बीमारी, कभी कोई इतने उसके कोई टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। माशाल्लाह बातें कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन चल नहीं पा रही थी। दूसरी चीज़ ये, उतने उसको इतनी हाई डोज कोई लिख के दिए, तकरीबन वो 7 से 8 लाख रुपए की रेंज हुई है इंजेक्शन्स में से, जिसमें से 6 डोज उसको लग चुकी हैं। 6 डोज लगने के बाद उसकी इतनी अचानक से तबीयत रात को ख़राब हुई है ना, कि उसे बुखार इतना ज़्यादा, कोई तेज़ बुखार चढ़ गया, बुखार चढ़ा उसको, उसने बिल्कुल आँखें बंद कर ली हैं, और ना बुखार चढ़ने की कैफियत से ही उसने बिल्कुल अपने हाथ पैर छोड़ दिए। और आपको तो पता है डॉक्टर्स बहुत, मैं तो कहती हूँ शायद 1000 में से कोई एक ही डॉक्टर ऐसे होते होंगे जो आपको तसल्ली देते हैं आके ना। अब आप सोचें माँ का क्या हाल हो रहा होता है, वो बैठी हुई तो अपनी औलाद को ही देख रही होती है ना, उसी के सामने इस तरह से बोलना कि देखती रहें, ध्यान रखें, और हमने आपको पहले बता दिया था तो बता दिया था, बंदा तरीके से भी बताता है। मुझे डॉक्टर्स का जो है ना ये लहजा इतना बुरा लगता है ना, बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो इतने आराम से और तसल्ली से बात करें। बच्ची की कंडीशन सही नहीं है, बच्ची की सीरियस कंडीशन है, बस आके ना यही बोल रहा है सीरियस कंडीशन है, सीरियस कंडीशन है। अल्लाह ना करे उसकी सीरियस कंडीशन, अल्लाह पाक उसको सेहत के साथ ज़िंदगी दे। आप सबसे रिक्वेस्ट है उसके लिए दुआ करें, जो मुमकिन हो सके उसके लिए दुआ करें कि बस वो बच्ची साथ खैरियत से अपने घर आ जाए हंसती खेलती हुई। और माशाल्लाह इतनी बातूनी बच्ची, आपने हमेशा मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, मेरे बच्चों से ज़्यादा वो होती है मेरे पास मेरे ब्लॉग्स में ना, बातें भी वही कर रही होती है। मेरे बच्चे तो फिर इतना नहीं करते, वो सबसे ज़्यादा बातें कर रही होती है। तो पूरी YouTube फैमिली से जो जो देख रहा है उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 यमीहा का नाम लेके दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन। तो बस यही बातें करनी थी, इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू किसी व्लॉग के साथ। आप सब दुआ करिएगा अल्लाह पाक यमीहा को जल्दी से सही कर दे और वो जल्दी से अपने घर आ जाए और उसके पैर भी ठीक हो जाएँ, जैसे कि डॉक्टर्स को जो लग रहा है कि जिसको बीमार